हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो है CUET PG के एग्जाम डेट। इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन है कि क्योंकि कल क्या हुआ था कि NTA ने एडमिट कार्ड रिलीज करे और उसके तुरंत बाद ही एक नोटिस रिलीज कर दिया जिसमें उन्होंने बोला कि 60 सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम है उनको यहाँ पे रीशेड्यूल कर दिया गया है। वो 17 जून के बाद में कंडक्ट कराए जाएंगे और कोई भी डेट इसके बारे में नहीं दी है। और उसके पहले ही, एक दिन पहले ही उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन ये वाला रिलीज किया था जिसमें उन्होंने डेट्स दी थी। तो अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को कि क्या हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ है या हमारा एग्जाम होना है। तो एक चीज मैं बता दूं, ये जो लिस्ट है जिसमें ये 60 कोर्सेज मेंशन है, इनका एग्जाम रीशेड्यूल कर दिया गया है। क्लियरली यहाँ पे लिखा है 5th to 17th June के बीच में इनका एग्जाम नहीं होना है, आपका रीशेड्यूल कर दिया है ये वाले 60 सब्जेक्ट्स का। ध्यान रखना, चेक कर लेना अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए डाला है तो आपका एग्जाम रीशेड्यूल है। बाकी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बाकी के जो एग्जाम्स हैं, स्पेसिफिकली फॉरेंसिक साइंस का जो एग्जाम है वो किस डेट पर होना है, किस शिफ्ट में होना है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, 5 जून, देखो एग्जाम जो है वो 3 शिफ्ट में होना है, Shift 1, Shift 2 और Shift 3, ठीक है। मतलब कि 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग शिफ्ट, 3 शिफ्ट हैं। तो आप चेक कर लेना कि 5 जून को आपका जो एक सब्जेक्ट है उसका एग्जाम, अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट के लिए डाला है तो ये चेक कर लेना कि आपका एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट किस किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है, ये बहुत अच्छे से चेक कर लेना, गड़बड़ मत करना। ये वाला जो PDF है ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जब ये नोटिस आया तो इस नोटिस का नाम था इंटीमेशन ऑफ एग्जाम सिटी फॉर CUET PG और 5, 6, 7, 8 तारीख के लिए। तो ये एग्जाम सिटी इंटीमेशन के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ नीचे ही इन्होंने ये मेंशन भी कर दिया था, जो शेड्यूल है एग्जाम का वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि इस दिन कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 से लेके पूरा का पूरा जो है 17 जून तक का यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल दे दिया है। अब फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि फॉरेंसिक साइंस का एग्जाम कब है, तो बता दूं मैं, 13 तारीख को देखो यहाँ पर एग्जाम है फॉरेंसिक साइंस का 3rd शिफ्ट में, ठीक है, 13 तारीख को। इसके बाद में 15 तारीख को भी एग्जाम है जो कि है आपका यहाँ पे 15 तारीख को 1st जून में, 1st शिफ्ट में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा तो इन्हीं 2 दिनों में आपका फॉरेंसिक साइंस का एग्जाम होना है, 13th जून और 15th जून। तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उसमें चेक कर लेना कि आपका 13 को है या फिर 15 को है। तो अगर 13 को है तो वो Shift 3 में होगा, यानी इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, और अगर 15 को है तो वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, Shift 1 में कंडक्ट कराया जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो लोग भी चेक कर लेना कि आपका किस शिफ्ट में है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दो और उसकी वजह से जो है आपका एग्जाम मिस हो जाए। अगर एग्जाम मिस हो गया तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अच्छे से चेक कर लेना, इस PDF को मैं शेयर कर दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि इन सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल है, रीशेड्यूल है। कैंसिल का मतलब ये नहीं कि होगा ही नहीं, रीशेड्यूल किया गया है, यानी कि अब इसकी डेट्स बाद में आएंगी, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। इसके अलावा CUET के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारे अपडेट्स मैं यहीं पे देती हूँ, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।